और एक विशेष और जोड़ी ने मिलकर जो भारत के लोगों को एक नई परियोजना में जो अपना दूसरा रिज्यूम है उसके पहले 100 दिनों के कार्यकाल के अंदर एक बहुत भारतीय जनता को एक गिफ्ट देने का काम किया। उनके दिलों की जो अनेकों सालों से जो इच्छा थी कि एक देश एक विधान और एक संविधान और एक निशान होना चाहिए, धारा 370 और 35 से हटाकर कश्मीर को अपना अभिन्न अंग के साथ साथ एक विधान और एक निशान वाला प्रदेश बनाने का काम किया। उस जो इतना बड़ा ऐतिहासिक काम है उसके धन्यवाद के लिए हमारे नेशनल और इंटरनेशनल हिंदुस्तान के प्लेयर जिसमें से सीमा योगेश जो कि 100-100 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ने वाले लोग हैं और अवार्डेड हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म, चाहे नेशन के प्लेटफॉर्म हो, प्रदेश स्तरीय हो, इंटरनेशनल स्तरीय हो, उन पर इन लोगों ने अवार्ड जीते हुए हैं। इस 100 लोगों की टीम मिलकर 60 लोगों की जो धावकों की टीम है शाइनिंग इंडिया क्लब के तहत कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर के लाल चौक तक 370 घंटे में एक अपने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर वहाँ दौड़ते हुए, ये दौड़ रात और दिन चलेगी, कोई भी एक के बाद एक जो धावक है वो दौड़ेगा, कोई भी व्यक्ति ये दौड़ रुकेगी नहीं, पूरी 370 घंटे के अंदर नॉनस्टॉप बीच बीच में सब लोग आराम करते रहेंगे। उसके लिए साथ में गाड़ियों की व्यवस्था है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, डॉक्टर की व्यवस्था है, किसी तरीके की दिक्कत ना हो। ये 60 प्लेयर्स की जो धावकों की एथलीट की टीम है ये गांधीधाम 2 अक्टूबर को गांधीधाम कन्याकुमारी से ये अपनी दौड़ को शुरू करेंगे और 15 अक्टूबर को लाल चौक पर इसकी समाप्ति होगी और जब कन्याकुमारी से स्टार्ट करेंगे कई गणमान्य नेता कई लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, जब समाप्ति होगी उस पर भी वहाँ पर एक इसे रिसीव करने के लिए हम आग्रह करेंगे माननीय गवर्नर साहब से या अन्य जो भी व्यक्ति होंगे जो लोग होंगे वो इस यात्रा को जो हमारा नेशनल फ्लैग लेकर दौड़ेंगे उन धावकों को रिसीव करने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक काम और धारा 370 के समर्थन में पूरा देशव्यापी दौड़ ये अपने आप में एक अनूठा प्रोग्राम है। इसके लिए मैं शाइनिंग इंडिया और जितने भी धावक इसके अंदर अपना योगदान करेंगे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इस अच्छे राष्ट्र प्रेम के जो काम है और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक जो सौगात देश के लोगों को दिए उसको धन्यवाद करने का मैं समझता हूँ इससे अच्छा तरीका धावक लोग नहीं होते। ये यहाँ पर आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो धावक भाई यहाँ से जो कि हरियाणा से रिलेटेड ज़्यादा लोग हैं इसके अंदर और ये जो इनिशिएटिव है फरीदाबाद के लोगों ने लिया है, ये भाई सुरेंद्र इस पूरे के पूरे संस्थान का जो ये एक एनजीओ है एक ट्रस्ट है वो शाइनिंग इंडिया उसका प्रधान है और इन लोगों ने एक बीड़ा उठाया कि पूरे देश के अंदर अपने हरियाणा के मैक्सिमम जो प्लेयर हैं उनको लेकर इस दौड़ को शुरू किया।